अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट, तो कैसे हैं आप? आप देख रहे हैं अलकलम एजुकेशन चैनल। उम्मीद है कि स्टार्ट का पेपर आपका अच्छा हो गया होगा। मैंने पूरी कोशिश की है कि जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो आपको प्रोवाइड कर दिया जाए, क्योंकि थोड़ा सा टाइम भी शॉर्ट होता है, लेकिन टाइम निकाल के फिर भी मैं कोशिश करता हूँ ये जो स्टूडेंट्स की डिमांड है उसको पूरा किया जाए। ठीक है, इंशाल्लाह जब आपके कोई नए क्लास वगैरह स्टार्ट हो गए आप साथ चलेंगे तो हर चीज़ आपको एक्यूरेट मिलेगी। तो वक्त को ज़ाया किए बगैर अकाउंटिंग के शॉर्ट क्वेश्चंस और एमसीक्यूज़ को हम स्टार्ट करते हैं जो आपके एग्ज़ाम्स में आने हैं। तो शुरू करते हैं जी। मेरे पास ये है, हाँ जी जी। सबसे पहले अपना जिस पे निशान लगा रहा वो आप गौर से देखते जाएं, व्हाट इज़ रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट। ठीक है, अब जिस वो बच्चे उर्दू में करते हैं उसके लिए नीचे उर्दू लिखी हुई है, और मैं ज़रा आपको अच्छी तरह से करके दिखा देता हूँ। ठीक है, ये क्या लिखा हुआ है, ये नॉन और ये पेमेंट्स लिखा हुआ है। ठीक है, उसके बाद नीचे आज एक क्वेश्चन है कि डिफाइन इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट, ये वाला सवाल करना आप लोगों ने, मैं निशान लगा देता हूँ इस पर। उसके बाद जिस पे निशान लगा रहा हूँ आपने वही करना है। आगे आ जाएं, ये डिफरेंस बिटवीन रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट एंड इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। ठीक है, तो ये वाला आप लोगों ने करना है। जैसे लिखा हुआ तकरीबन डिफरेंस हमेशा ऐसे लिखा जाता है। उसके बाद है व्हाट इज़ लेगेसी, इज़ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये अक्सर आ जाता होता है। ठीक है, देख लें, आगे आ जाएं, व्हाट इज़ ऑनोरियम, ये क्वेश्चन भी इम्पोर्टेंट है, ये भी आप लोगों ने करना है। ठीक, नज़र आ रहा होगा उम्मीद है। आगे आ जाएं, क्योंकि क्वेश्चन के नंबर थोड़े हैं लॉन्ग के, अब आपके ज़्यादा हो गए हैं। व्हाट डिफाइंड कैपिटल फंड, ये वाला सवाल करना है आपने, और ये जो लास्ट वाली लाइन है ये लिखा हुआ है रिप्रेजेंट। ठीक है, उसके बाद है डिफाइंड सब्सक्रिप्शंस, ये भी करना है आप लोगों ने, और यहाँ पर लिखा हुआ है इंस्टीट्यूशन। ठीक, उसके बाद है व्हाट डू यू मीन बाय स्पेशल जो है सब्सक्रिप्शन, ये सवाल भी आपने करना है, और ये लास्ट वाला लिखा हुआ ना ये पार्टिकुलर लिखा हुआ है। ठीक, देखिए नज़र आ रहा है, मैं आपको फिर जूम करके दिखाता हूँ, हर एक चीज़ आपको क्लियर नज़र आ रही होगी। व्हाट डू यू नो अबाउट डोनेशन, डोनेशन का सवाल भी आता होता है, ये आप लोगों ने करना है। नीचे आ जाए डिफाइंड मेम्बरशिप फीस, ये भी करना है, और यहाँ पर जो लाइन लिखी हुई है ये लिखा हुआ है फॉर होल। ठीक, फॉर होल। उसके बाद अगला सवाल मेरे पास है कि डिफाइंड एंट्रेंस फीस, ये भी करना आपने, और ये देखिए इसके आखिर में फीस लिखा हुआ है, और ये देखिए अब अच्छी तरह से आप देख लें। ठीक, जो वर्डिंग नज़र आ रही थी वो मैंने बता दिए। अच्छा, इसमें से कुछ भी नहीं करना आपने, हाँ जी यहाँ पर आ जाइए, ये सवाल आप लोगों ने करना है यहाँ पे, व्हाट डू यू मीन बाय जो है सरप्लस इन नॉन ट्रेडिंग, ये वाला सवाल करना है बस। अब इसके साथ ही एमसीक्यूज़ है, वो भी मैं आपको दिखा देता हूँ। ये देखिए ये इसके एमसीक्यूज़ है, अच्छी तरह से देख ले, इसके पीछे आंसर दिए होंगे। ठीक, और ये देखिए एमसीक्यूज़ तकरीबन यहीं से आते हैं आपके, ये देख लें, आराम आराम से करके दिखा रहा हूँ मैं। ठीक ठीक, अब आगे आ जाएं, बहुत सिंपल है, इजी है, ये तो आपके आते हैं घंटे लेंगे सारे एमसीक्यूज़ हो जाएंगे। ये एमसीक्यूज़ को डटा नहीं मारना, सिर्फ समझना है। ठीक, तो ये लास्ट पेज है इसका, ये इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज़ भी बता दी मैंने। ठीक, अब ये इसके नीचे सारे आंसर दिए हैं, आप बड़ी इजी तरीके से तैयारी कर लेंगे। पहले क्या करना है, आप लोगों ने जो कंसेप्ट क्लियर ना अपनी तरफ से निशान लगा लें, उसके बाद पीछे से देखें कौन कौन से गलत है आप, इस तरह आपका जो है बिल्कुल क्लेरिफाई हो जाएगा क्या गलत है और क्या सही है। तो ये आपका था नॉन ट्रेडिंग कंसर्न का चैप्टर। ठीक है, ये हो गया, अब आगे मेरे पास आ रहा है सिंगल एंट्री का। ये सिंगल एंट्री में मेरे पास है, इसके इतने ज़्यादा नहीं हैं, थोड़े ही हैं जो सवाल हैं। बताता हूँ आपको इसमें जो आपने करना है, ये देखें, पहला सवाल है कि डिफाइन सिंगल एंट्री सिस्टम और बुक कीपिंग। ठीक है, एक सवाल आपने ये करना है, सिंगल एंट्री की डेफिनेशन आती है और यहाँ पर लिखा हुआ है डाउटफुल। ठीक है, उसके बाद है कि व्हाट आर द डिफरेंट क्लासेस इन सिंगल एंट्री सिस्टम लिखा हुआ है, ये करना आप लोगों ने, और डिफाइन सिंपल एंट्री सिस्टम, ये सवाल करना है, और यहाँ पर आ जाए गिव एनी थ्री कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ सिंगल एंट्री सिस्टम, ये करना आप लोगों ने, और डिफाइंड स्टेटमेंट ऑफ फेयर्स अंडर नेटवर्थ मैथड, दो मैथड्स होते हैं ना ये। उसके बाद है राइट द फंडामेंटल बेसिस बैलेंस शीट क्वेश्चंस, ये सीफी आंसर है इसकी। ठीक है,
और इसके अलावा ये भी करना है आपने, गिव डिस्टिंग्विश बिटवीन डिस्टिंक्शन बिटवीन स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स एंड बैलेंस शीट, ठीक। बस तो ये आप कितना हो गया। अक्सर पी जो आप लोग एग्जाम में क्वेश्चन पूछ लेते हैं, लेकिन काम ही होता है कि जो लॉन्ग क्वेश्चन आपने सॉल्व किया ना उसमें से छोटी छोटी चीज़ें पूछ लेते हैं। अब चलते हैं ये इसके MCQs की तरफ। ये देखिए, अब आप देख लें, मैं बड़ा आराम आराम से करके दिखा रहा हूँ, बहुत ईजी है, मुश्किल कोई भी नहीं है। MCQs करने का क्या तरीका होता है, पहले इसको पढ़ें, पढ़ने के बाद जो आपको समझ आती है उसको टिक लगा लें, ठीक है। जब आप सारे टिक लगा लें फिर पीछे से आंसर देखें कौन सा आपका गलत हुआ है, इस तरह आपको हमेशा याद रखेंगे और रटे भी नहीं बचेंगे। ये नहीं करना पहले याद करने, ये दे ये देखिए, सारे सॉल्विंग करके आपने हल निकालना है, सॉल्व करते जाना और हल निकालते जाना, सिंपल है। इसको तो रट्टा लगाना ही नहीं आप लोगों ने, ठीक। ये जी ये हो गया, और ये सारे इसके नीचे आंसर दिए हैं, ठीक। आगे आ जाए, मेरे पास कंसाइनमेंट का है। कंसाइनमेंट में क्या क्या आने हैं, शॉर्ट क्वेश्चंस। ये जी सबसे पहले मेरे पास है कंसाइनमेंट का, उसके बाद है कंसाइनर का, कंसाइनी का, और उसके बाद है आउटवर्ड कंसाइनमेंट क्या होता है, इनवर्ड कंसाइनमेंट क्या होता है, और आगे आ जाए उसके बाद है कमीशन इन कंसाइनमेंट और डिफाइन डायरेक्ट प्रोडक्ट कमीशन, जो मैंने आपको क्वेश्चन से बताया हुआ। देखें क्वेश्चन वीडियो प्लेलिस्ट में जाएँ, उधर आपको सारे मिल जाएंगे। ये देखें जो बता रहा हूँ सिर्फ वही करने हैं आप लोगों ने, ठीक। आधा ही सस्ते पढ़ा हुआ। अच्छा जी, आवल डी कमीशन करना है आप लोगों ने, उसके बाद जो आने ना वही बताने हैं आपको। अकाउंट सेल वाला करना है आप लोगों ने, ये देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है शोइंग द, ठीक है, और इनकर्ड। परफॉर्मा इनवाइस का करना है आप लोगों ने, ठीक है, ये लिखा हुआ है रिगार्डिंग सेल। आधा सवाल इसका आंसर यहाँ पे है। कंसाइनमेंट अकाउंट का करना है आप लोगों ने, ठीक है, स्टॉक ऑन कंसाइनमेंट भी करना है, नॉर्मल लॉस भी करना है, और अब नॉर्मल लॉस की डेफिनेशन करनी है, बस और कुछ भी नहीं करना आप लोगों ने, ठीक है। उसके बाद आ जाते हैं हमारे पास MCQs। ये रहे जी MCQs आ गए मेरे पास, ठीक है। इसके बाद आगे आ जाएं, MCQs आप लोगों ने लास्ट में करने हैं ताज़े ताज़े। उससे पहले आपने शॉर्ट क्वेश्चन याद करने हैं, लॉन्ग क्वेश्चन की प्रैक्टिस करनी है, बहुत सिंपल है। अकाउंटिंग पर वैसे भी टाइम लगता, ये जी ये मेरे पास है, ठीक, और आगे आ जाएं। तो ये काम आपने लास्ट में करना है, ये ट्रिक्स है जो मैंने आपको बताया, ठीक है जी। ये इसके सारे आंसर है, क्या करना है पहले ख़ुद से अपने तरीके से सॉल्व करना है, उसके बाद आपने अपना चेक करना है। हाँ जी, अगला मेरे पास पार्टनरशिप का आ रहा है। पार्टनरशिप के क्वेश्चन इतने ज़्यादा नहीं है, पार्टनरशिप की डेफिनेशन करनी है, पार्टनरशिप डीड की करनी है, पार्टनर्स की करनी है, फर्म की करनी है, पार्टनरशिप कैपिटल की करनी है, फिक्स कैपिटल की करनी है, ठीक है, फ्लक्टुएटिंग कैपिटल की करनी है। उसके बाद देख लिया चलो, आप ये बता क्या लिखा हुआ है, ये यहाँ पर शेयर लिखा हुआ है, ठीक, इस पर निशान लगाए सिर्फ आपने वो करने हैं। इसमें से इनकमिंग पार्टनर, प्रॉफिट एंड लॉस रेशियो, ऑड रेशियो क्या होता है, और न्यू रेशियो क्या होता है। अभी तो ज़ाहिर टाइम कम था, लेकिन इंशाल्लाह अगर आपका प्लान है ना बीकॉम करने का आगे, तो हर चीज़ को आपको एक्यूरेट तरीके से करवाया जाएगा। और बीकॉम को मैंने इस तरीके से करवाऊंगा आपको कि आपके लिए कोई मसला ही नहीं होगा, ईच एंड एवरीथिंग हर चीज़ परफेक्ट होंगे आप उसमें। जिन जिन स्टूडेंट का होगा ना प्लान, तो वो मुझे पहले बता दें, ठीक है, ताकि आपका वेट किया जा सके। उसके बाद सैक्रिफाइसिंग रेशियो करनी है आप लोगों ने, और इसमें से कोई चीज़ नहीं करनी है, मैंने बता दिए, थोड़ा सवाल है, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है जो आने हैं। उसके बाद ये सवाल डिफाइन गुडविल, ये इसका आंसर दिया हुआ है, गुडविल का पता ही होगा क्योंकि आप काफ़ी देर पढ़ते आ रहे हैं। ये देखिए एक गुडविल की डेफिनेशन है, उसके बाद फोर एलिमेंट्स ऑफ गुडविल का बताना आपने, टाइप्स ऑफ गुडविल बतानी है, परचेज गुडविल बतानी है,
उसके बाद है नेम एंड थ्री मेथड्स ऑफ वैल्यूएशन ऑफ गुडविल है और हाउ वी कैन कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ गुडविल अंडर एवरेज प्रॉफिट मेथड. तो ये फार्मूला लगा हुआ है बस. यहाँ पे रेवोल्यूशन करना है आप लोगों ने बस. और यहाँ पर आज लिखा हुआ है कि व्हाट मीन बाय रिटायरमेंट ऑफ पार्टनर है, ये करना है आप लोगों ने. ये रीज़न लिखा हुआ ठीक. ये उसमें से एक सवाल आप लोगों ने ये डेजिग्नेशन ऑफ पार्टनर कैसे होती है, ये एक लाइन का सवाल है. उसके बाद है रियलाइजेशन अकाउंट क्या होता है, ये सवाल भी आ जाता होता है बस. और इसमें से कुछ भी नहीं आना, यही चीज़ें हैं. अब आज इसके एमसीक्यू थोड़े से ज़्यादा होंगे लेकिन ये बहुत आसान है, उम्मीद है कि आप इजी कर लोगे. जैसे मैंने बताया ना वैसे आप लोगों ने करना है. ये अभी अच्छी तरह से मैं दिखा रहा हूँ ताकि ये आखिर में करने आप लोगों ने. ये 20 नंबर यहाँ से क्लियर हो जाएंगे आप लोगों के. ये भी देखें, मुश्किल कोई है नहीं, बहुत सिंपल है. देखिए जब आप एमसीक्यूज करें ना, अब जो इस तरह के है ना, ये मैं आपको बता दूँ, ये इस तरह के रेशो बूशो ये बहुत कम चांसेस है कि वो आपको हम ध्यान में दें ठीक है. ज़्यादातर सिंपल ही आने हैं आपको. ये आप आखिर में करना ना, पार्टनरशिप को आप आखिर में करना. एक तीन चार एमसीक्यू उसमें से आने हैं तो मैंने इम्पोर्टेंट इसलिए बता दिए. देखना अब जिस तरह की एंट्रीज वाले हैं ये भी नहीं आपको इस तरह के आने हैं. एंट्रीज ये काट दें सारे आप, ये ठीक है, ये एंट्रीज वाले आप काट दें. और ये डेट्स वाइज हैं ये आ जाते होते हैं, ये भी नहीं करना आप लोगों ने. ये भी नहीं करना, जो मैं कटवा रहा हूँ वो नहीं करना आप. ये भी नहीं करना आप लोगों ने ठीक है. इस तरह के एमसीक्यूज आपको एग्ज़ाम में नहीं आएंगे. ये आपने लास्ट में करना है, इसको लेके घबराना नहीं आप लोगों ने. पता नहीं क्या होगा ये, बस ये है सिंपल. जो मैंने कटवाए हैं वो नहीं करने. और ये अब आपके नीचे क्या दिए हुए एमसीक्यूज, तो ये आपने लास्ट में करने, ये ईजी हो जाएगी. इसको घबराना नहीं, जो कटवा दी वो नहीं करने आपने. हाँ जी, मेरे पास कंपनी का है, कंपनी का मेरे पास है जॉनस्टोन कंपनी, सेपरेट लीगेंट एंटिटी ऑफ कंपनी, कॉमन सील ऑफ जॉनस्टोन कंपनी ठीक है. उसके बाद मेरे पास आता है ऑर्डर्स कंपनी फॉर्म्ड. वैसे तो चॉइस है ठीक है, शॉर्ट में जितना मैंने आपको पढ़ाया इंशाल्लाह पेपर इसमें से ही आना है. तो ये तकरीबन थर्ड बोर्ड के लिए है. आगे आ जाए मेम्बर ऑफ एसोसिएशन की डेफिनेशन आ जाती है, आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन की आ जाती है, ये एसोसिएशन लिखा हुआ है. उसके बाद है प्रोमोटर्स की डेफिनेशन आ जाती है, ये उर्दू में भी लिखी हुई है. इनकॉर्पोरेशन की भी आ जाती है. और यहाँ तक हो गया, आगे आ जाए व्हाट डू यू बाय अबाउट प्रीलिमिनरी एक्सपेंसेस की भी आ जाती है. स्टैचुरी कंपनी की रहन दे, इस तरह के सवाल काम ही आते हैं. आगे आ जाए प्रोस्पेक्टस की आ जाएगी, स्टेटमेंट इन लियो प्रोस्पेक्टस ये आ जाएगा, ये प्रोस्पेक्टस लिखा हुआ है. व्हाट इज़ ऑथोराइज कैपिटल, ये मैंने आपको बताया हुआ है ठीक है. इशूड कैपिटल भी आ जाएगा, पेड अप कैपिटल भी आता है. शेयर की डेफिनेशन है, डिविडेंड क्या होता है, अंडर राइटर की डेफिनेशन है, अंडर राइटिंग कमीशन क्या होती है. और यहाँ पर बस प्रेफरेंस शेयर्स क्या होते हैं ये भी आ जाता है ठीक. उसके अलावा यहाँ पर कोई नहीं है. आगे आ जाएं, यहाँ पर आप लोगों ने करना है डिपेंचर की डेफिनेशन है, ये डिपेंचर की डेफिनेशन पर दी हुई है, एक क्लाइन की है. मोटर केस डिपेंचर क्या होते हैं और रिड्यूएबल डिपेंचर क्या होते हैं, कोशिश हो रही है इसका सवाल आपको करवा दिया जाए. कोशिश हम यही करेंगे, इरिड्यूएबल डिपेंचर का भी सवाल तो नहीं आता, खबर रिडीम वाला आता वही करवाया जाएगा. डिफरेंट काइंड ऑफ डिपेंचर ठीक है. कन्वर्टेबल डिपेंचर कौन से होते हैं, नॉन कन्वर्टेबल डिपेंचर क्या होते हैं, ये वाले ठीक है बस. और कुछ भी नहीं करना आपने. आगे देखें एमसीक्यूज इसके यहाँ से स्टार्ट हो रहे हैं, मैं इसलिए यहाँ लिख दिया ताकि आपको कन्फ्यूजन ना हो. ये देखें
बड़े सिंपल है एम सी क्यूज़ आप लोगों ने लास्ट करने हैं, ठीक है, लास्ट में करने हैं ताज़ा ताज़ा। अभी आप लोगों ने क्या करना है, शॉर्ट और अपने लॉन्ग पे त्वचा देनी है, ठीक है। ये इसमें जो एंट्रीज वाले हैं वो भी ना करें, आपको मैं बता देता हूँ। अच्छा, एंट्रीज वाले ना करना, जो तो मेरी नज़र में आ गई वो मैं काट देता हूँ। जैसे 51 वाला हो गया, ये नहीं करना आप लोगों ने, 52 वाला भी नहीं करना, 53 वाला भी नहीं करना, 54 वाला भी नहीं करना, 55 वाला भी नहीं करना। और यहाँ पे आ जाएं आगे 62 वाला भी नहीं करना, 63 वाला भी नहीं करना, 64 वाला भी ना करें, 65 वाला भी नहीं करें। देखिए मैंने काफ़ी कटवा दिए, एक दो आएंगे जो आपको आते होंगे। 66 वाला भी नहीं करना आप लोगों ने, और बस ये नीचे सारे आपको सॉल्यूशंस दिए हैं, ठीक। अब मेरे पास आएगा डेपोजिशन की डेफिनेशन करनी है, ठीक है। उसके बाद है डेपोजिशन के ऑब्जेक्टिव क्या होते हैं, ये करना है आपने। और एक्युमुलेटिव डेपोजिशन क्या होती है, यूनिट ऑफ वैल्यू की डेफिनेशन बतानी है आप लोगों ने। उसके बाद है अमोर्टाइजेशन क्या होती है और स्क्रैप वैल्यू क्या होती है, ये तीन नाम है इसके, ठीक है, ये भी आपने लाजमी करनी है। उसके बाद है डिमिशनिंग बैलेंस की डेफिनेशन बतानी है आपने, ओके। इन दोनों में डिफरेंस बताना है कि स्ट्रेट लाइन और डिमिशनिंग बैलेंस मेथड में क्या डिफरेंस होता है। डिप्लेशन का मतलब बताना है, ठीक है, ऑब्सोलेंसिस का मतलब बताना है, ये सवाल आ जाते होते हैं, ठीक है, देख लें। ये इसका आधा ही सही है। आगे जो आना है उसमें वही बता रहा हूँ आपको, और कोई चीज़ नहीं है इसमें जो बताने वाली है आपके लिए, ठीक है। मैंने वहाँ का हर चीज़ आपको करवा दी है, आप लिस्ट में जाके डेफिनेशन का चैप्टर लिखेंगे तो सारा आ जाएगा। ये एम सी क्यूज़ है आपका, ये देख सकते हैं आप, बहुत सिंपल है, मुश्किल कोई भी नहीं है। अब आप लोगों ने चैप्टर मैंने करवाया हुआ है तो ये मिनट में आपसे हल होना है, रटने की जरूरत ही नहीं है इसमें। ठीक है, ये सारे इसके क्या हैं जवाब, ठीक है। तो उम्मीद है आप लोगों को समझ आ गई होगी। तो इसमें इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैं बता दिए, और ये तमाम बोर्ड्स के लिए आप इस पर से तैयारी कर सकते हैं, क्योंकि सिलेबस वही होता है और क्या देना, ज़्यादा से ज़्यादा ये चीज़ें देनी होती है। तो इस बार शॉर्ट क्वेश्चन के नंबर आपके कम हैं, यानी 20 नंबर के हैं। पहले क्या होता था कि शॉर्ट के नंबर ज़्यादा होते थे, यानी 50 नंबर के आपके शॉर्ट होते थे। तो आपने ज़्यादा तवज्जो किसमें देनी है, अपने लॉन्ग क्वेश्चन में। तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो है ना आपके पास, वो कौन से हैं, एक कंसाइनमेंट में से आना है, शेयर डिबेंचर में से आना है, तीसरा डेपोजिशन में से भी आना है। तो कोशिश होगी कि डेपोजिशन का जो लास्ट क्वेश्चन रह गया वो भी आपको करवा दिया जाए। तो अभी इसको आप बैठ के तैयारी करना शुरू करें बहुत ईजी और सिंपल तरीके से। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई, इसको लाइक ज़रूर कीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों में शेयर करें, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ।